त्योहार आ रहे हैं, आप लोग खूब मिठाई खाने वाले हैं और खाने के बाद ये भी कहने वाले हैं कि यार पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। एक और तो बनता है। अब इंसान पेट की सुने या मन की, और ये पेट और मन आपस में ही डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि एक भरे तो दूसरा भी भर जाए, हमें कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। चलिए आज मन और पेट की इस कन्फ्यूजन को ही क्लैरिफाई कर लेते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हर 2-2 घंटे में इसे दूध पिलाना है। कुछ ही वक्त में बच्चे की ऐसी साइकिल बन जाती है कि उसे 2 घंटे में भूख लगती ही है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये टाइम गैप बढ़ता रहता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि बच्चों का भूख का टाइम फिक्स्ड होता है, और हम बड़े भी अगर चटपटा ना खाएं तो हमें भी एकदम टाइम पर भूख लगेगी। लेकिन बॉडी आखिर डिसाइड कैसे करती है कि अब कुछ खाने की ज़रूरत है? दिमाग हमें कैसे बताता है कि भाई अब भूख लग गई है? मान लीजिए हमारा शरीर एक मशीन है, इसे फ्यूल चाहिए होता है। अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल दे दें तो ये इसे फैट के रूप में सेव कर लेता है। खाना पेट और आंतों में पचता है जो कि खून की धमनियों के जरिए दिमाग से जुड़े होते हैं। हमारे शरीर में कितना फ्यूल बना है इसे मॉनिटर किया जाता है ब्लड शुगर लेवल से। जब हमारा पेट भरा हुआ होता है तो ये लेवल ज़्यादा होता है। दिमाग को संकेत जाता है कि टैंक फुल है। फिर जैसे जैसे लेवल नीचे गिरने लगता है हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। अगर फ्यूल एकदम ही खत्म हो जाए तो ब्लड शुगर लेवल बुरी तरह गिर जाता है और दिमाग के अंदर सायरन बजने लगता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है। जब पेट खाली होता है तो उसमें भूख के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ये दिमाग को संकेत भेजते हैं और दिमाग शरीर को हंगर मोड पर डाल देता है। इसके लिए दिमाग का हाइपोथैलमस नाम का हिस्सा ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जिनके कारण हमें भूख लगने लगती है। इस तरह से शरीर को समझ में आता है कि खाने का वक्त हो गया है। फिर जैसे जैसे हम खाना खाते हैं पेट की दीवारें फैलने लगती हैं। इन दीवारों में लगे सेंसर दिमाग को संकेत भेजते हैं, साथ ही वो हॉर्मोन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो दिमाग को बताते हैं कि अब पेट भर गया है, शरीर को बोलो कि खाना बंद करे। लेकिन दिमाग इतनी जल्दी हमें नहीं रोकता। पहले तो वो चेक करता है कि कहीं हम सिर्फ पानी पीकर तो पेट नहीं भर रहे हैं, काम का फ्यूल आया भी है या नहीं। अगर आया है तो दूसरी कैटेगरी के हॉर्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं यानी रोटी ब्रेड वगैरह, तो शुगर लेवल बढ़ता है। और तीसरी कैटेगरी का हॉर्मोन एक्टिवेट होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकता है। खाने के साथ आपने जो फैट्स लिए होते हैं वो चौथे किस्म के हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं जो दिमाग को शरीर में मौजूद नए पुराने सारे फैट्स का बही खाता देते हैं। इस पॉइंट पर जाकर दिमाग पूरी तरह समझ जाता है कि पेट भर गया है। प्रोटीन्स दिमाग के हर ज़रूरी हिस्से को बता देते हैं कि अब और खाना बिल्कुल नहीं खाना है। इस पूरे प्रोसेस को करीब 20 मिनट लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाना आराम से खाना चाहिए। आप चलते फिरते जो बिस्किट नमकीन खाते हैं ब्रेन उसे ठीक से रजिस्टर नहीं कर पाता, लेकिन जब आप आराम से बैठकर थाली सजाकर खाना खाते हैं तो दिमाग आपको पेट भरने का पूरा एहसास देता है। यानी अगर मन भर कर खाना है तो धीरे धीरे खाना है। अब गुलाब जामुन खाने में थोड़ी ना 20 मिनट लगते हैं, तो आप कैलोरी इंटेक तो कर लेते हैं लेकिन मन यानी दिमाग को ये एहसास नहीं होता है कि इससे पेट भर रहा है। जब आपकी मनपसंद चीज़ सामने रखी होती है तो आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं। 20 की जगह आप 10 मिनट में इतना खा चुके होते हैं कि पेट को तो भरे होने का एहसास होने लगता है लेकिन मन को यानी दिमाग को नहीं होता। जल्दी जल्दी खाना खाने का एक और बड़ा नुकसान है, आप खाने के साथ साथ पेट में ढेर सारी हवा भी ले जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसे चबाने के दौरान खाने के साथ साथ हवा भी अंदर जाती है, साथ ही पेट और आंतों के अंदर जब खाना पचता है तो उस दौरान भी कुछ गैसेस बनती हैं। हर दिन हमारे शरीर से कुछ 2 लीटर गैस रिलीज होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। पहली बात, अगर आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत है तो किसी भी हाल में खुद को रोकिए नहीं।
और एक बार जब चले गए तो ज्यादा वक्त टॉयलेट में बिताइए नहीं। दूसरी, पानी पीते रहिए। हमारे शरीर को दिन भर में कितने पानी की जरूरत होती है ये मैं आपको एपिसोड 17 में बता चुकी हूँ। तीसरी, फाइबर से भरा हुआ खाना खाइए, यानी रोटी के अलावा खूब सारी दाल सब्जी और फल। और चौथी बात, चलते फिरते रहिए। अगर ये सब करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से दूर रह पाएंगे। रिसर्च दिखाती है कि करीब 15% लोगों को नियमित रूप से कब्ज की समस्या रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये समस्या भी बढ़ती रहती है। इससे बचने के लिए आपको फाइबर और पानी की मात्रा को बढ़ाना ही होगा। पेट खराब होने पर या कब्ज होने पर इसबगोल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा फाइबर भी दिक्कत दे सकता है। इससे ब्लोटिंग या गैस की समस्या हो सकती है। तो अगर आप इससे जूझ रहे हैं तो रोटी और ब्रेड खाना कम करें, साथ ही प्याज लहसुन और बंद गोभी जैसी चीज़ों से भी दूर रहें। इनकी जगह चावल, मक्का, मेवे, टमाटर और अंगूर खाएं। और हाँ, खाने में इस तरह के बदलाव करने के 2-3 महीने बाद भी अगर असर ना दिखे तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। एक बात तय है, हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही इस पर निर्भर करता है कि हम क्या और कितना खा रहे हैं। अगर सही नहीं खाएंगे तो हॉर्मोन्स हमारे दिमाग को कुछ उल्टे ही संकेत देंगे। खाने को लेकर हम लोग काफ़ी टची होते हैं ना। जलेबी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ये बात सुनी तो फौरन लोग कमेंट करने लगे कि पिज्ज़ा बर्गर के बारे में तो ऐसा नहीं कहती हैं। जंक फूड सेहत के लिए बुरा होता है ये बात सब जानते हैं, और जो बात आप जानते ही हैं उसे दोहराने का क्या फ़ायदा। फ़ायदा तब है जब आप ये एक्सेप्ट करें कि पिज्ज़ा और पास्ता की तरह समोसे, कचौड़ी और मठरी भी जंक फूड हैं, क्योंकि मैदा और डीप फ्राइड। पिज्ज़ा तो फिर भी बेक्ड होता है। हाँ, कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं है, तो त्योहारों का आनंद लीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन ऐसे कि पेट के साथ साथ मन भी भर जाए। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने तक ही मत रखिए, फौरन अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।